हेलो एंड आपका स्वागत है द फुलटॉस पे। और ये जो डाटा देख रहे हैं ये रिजल्ट की डाटा है जो पिछले साल इंटरमीडिएट की रिजल्ट की थी, जिसमें 44% बच्चे केवल पास किए थे और इस साल 81.81.20 पास का प्रतिशत है। तो आखिर इतना रिजल्ट में वेरिएशन क्यों आया है, कैसे आया है, इस पे चर्चा करने के लिए हम सतेंद्र सर के साथ चलेंगे। तो सर, आप कैसे देखते हैं इतना वेरिएशन रिजल्ट में? जी, आपको सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी देखने वालों को। और हम शुरू करें आज का डिस्कशन, उससे पहले जिन बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जो बिहार के टॉपर्स हैं, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों का किसी कारण से गड़बड़ हो गया है, उनके साथ भी मेरी संवेदनाएँ साथ है। आप फिर से मेहनत करें। कई पुराने बच्चे निराश है इस बात से कि अगर वो इस बार एग्जाम देते तो काफ़ी अच्छे मार्क्स उनको आ सकते थे, तो उनके साथ भी मेरी संवेदनाएं साथ हैं। कोई बात नहीं, आप लोग आगे दे दिए हैं क्योंकि इस बार का रिजल्ट सुपर डुपर हिट रहा है, आप लोग देखे हैं। और जहां तक आपको यहां भी स्क्रीन पर आप दिखा रहे थे कि 2018 में जो पास का परसेंटेज था, साइंस की हम बात कर रहे हैं, वो 44% था, और 2019 में 81.20%, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं लगभग डबल हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा फायदा बच्चे पास किए हैं। ऐसा लगता है कि पास करने से जो पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे। यहाँ पर जो सवालें आ रही है, जिस तरह पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, उसी के अनुसार भी रिजल्ट आया है और एकाएक लगभग एक महीने के अंदर रिजल्ट आ गई है। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है बिहार सरकार का कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत जल्दी भी दे दिया है। बट ये सवाल, एक सवाल यहाँ पर घूम रहा है कि जो 2018 में पास का प्रतिशत 44% था, वो 2019 में डबल हो गया है, तो क्या बिहार सरकार ने अपनी सिस्टम सुधार ली है या फिर स्टूडेंट यहाँ क्या पढ़ने लगे हैं या फिर कोई और बात है कि बच्चे को खुश करने के लिए, लॉलीपॉप थमाने के लिए? कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बच्चों को खुश किया गया है। ये सारे सवाल आज यहाँ पर घूम रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं भी इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं, लेकिन क्या ये सही सवाल हम सिस्टम से नहीं पूछ सकते? क्या बच्चे बहुत खुश हैं जो आने वाले, जो अभी 11th से 12th में बच्चे गए हैं, क्या उनको भी उतना ही खुश होना चाहिए या फिर पिछले साल के रिजल्ट से उनको भय खाना चाहिए? ये जुनून सा सवाल घूम रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो अब अगली बार जो एग्जाम देंगे 2020 में, क्या उनको भी इसी प्रकार के रिजल्ट की आशा है जिस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है? बच्चे को बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर किया गया है, तो क्या उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए? कि आप बोल सकते हो कि अरे ऐसा ही होता है बिहार बोर्ड में, कई आपके सामने एग्जाम्पल होंगे। अब मैं किसी को भला बुरा यहाँ पर नहीं करना कहना चाहता हूँ, किसी बच्चे के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट जो ज़मीनी हकीकत है, कई सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि उनको तो कुछ आता ही नहीं था, अच्छा मार्क्स आ गया है लिखा होगा, मुझे भी नहीं लग रहा है उसको आना चाहिए था जिसको आया है एज ए टीचर, बट आ गया है। मैथ्स की तो यह हाल है, बच्चे को 99, 98, 97 इस प्रकार से मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है बच्चे स्कोर किए होंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जिन बच्चों को दिया गया है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अब जो बच्चे 2020 में एग्जाम देंगे उनको क्या करना चाहिए? आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि नहीं, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए, अब अच्छे से नहीं पढ़ना चाहिए, इस बार क्वेश्चन भी इजी आया था। तो क्या 2020 भी हमारी जो बोर्ड है वो इसी तरह के पैटर्न पर काम करेगी या फिर आपको धोखा दे देगा? ये सवाल यहाँ पर घूम रहा है। तो उन बच्चों को जो 2020 में यहाँ पर आए हैं एग्जाम देने वाले हैं,
उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को उन्हीं डेप्थ के साथ पढ़ाई करनी है। चूँकि मैं अब फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स के बारे में आपको ज़्यादा बता पाऊँगा कि जिस तरह से इस बार फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थी उनकी जो डेप्थ है वो काफ़ी कम कर दी गई थी, वो क्वेश्चन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, कहीं पर आपको रट के इन जनरल कंपटीशन के क्वेश्चंस वहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो क्या अगला साल ऐसा होगा, तो मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है इतिहास 2018 44% को दोहरा ले, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने की ज़रूरत है कि हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बिहार बोर्ड बदल गया, बिहार बोर्ड सुधर गया, बिहार बोर्ड ये हो गया, बिहार बोर्ड वो हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। आपको आज ही फिजिक्स को उन्हीं डेप्थ के साथ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो सके। रही इस रिजल्ट के बाद बच्चे क्या करेंगे, तो क्या जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अगर बच्चों में असली रियल काबिलियत जिनमें होगी, और ऐसे कई बच्चे हैं जो रियल इनके हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए था और मिला भी है, लेकिन जिन बच्चों को सिर्फ ये लॉलीपॉप मार्क्स का थमा दिया गया है, ये मार्क्स लेके कहाँ कहाँ भटकेंगे। तो आपको भी अपने पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए, बिहार बोर्ड या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन जो कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, दैट मे बी अ प्रोपेगेंडा, ये हो सकता है कि अपनी वोट बैंक के चक्कर में किसी भी चीज़ में आंसर, मैं डिस्कस ये नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारी आप लोग कहिएगा कि राजनीति कर रहे हैं, मैं यूँ नहीं करना चाह रहा हूँ, बट हो सकती है उनकी कुछ प्रोपेगेंडा जिसके तहत आपको इस आपके साथ ऐसा किया गया है, तो आपको नहीं खुश होना है, बहुत ज़्यादा नहीं होना है, आपको अगले जो स्टेप है, आप अगला जहां जाना चाहते हैं वहां स्टूडेंट आप वहां जाने के लिए रेडी हो जाइए, जहां पर आपको इन डेप्थ पूरी गहराई के साथ आपकी परीक्षा होने वाली है, आपकी करियर वहां से बनने वाली है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आई थिंक मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ ही गया होगा, और फिर से आप लोग क्या कीजिए कि खुशी मना के सेलिब्रेट करके आगे बढ़िए, आगे देखिए कि आगे किस तरह से पूछा जाएगा, क्या हमको पढ़ना है क्या हमको नहीं पढ़ना है। मैं किसी के पास जो मजाक सिस्टम कर देता है उनको तोड़ के हमको आगे बढ़ना है। इन तरह की जो फिजूल बातें हैं, राजनीति भरी बातें हैं कि इलेक्शन है इसीलिए ऐसा कर दिया नहीं कर दिया, अगर एक बात मान लो कि कर भी दिया तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो जो किया है खुशी मनाइए, अच्छा मार्क्स आपको मिला है और आगे की तरफ बढ़े रहिए। अगर कोई सवाल आपके मन में है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे स्पेशली पूछ सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स वो मेरा सब्जेक्ट है और मैं उसको पढ़ाता हूँ। चलिए, आप अपना बहुमूल्य समय दिए हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी आकाश कुमार के साथ द फुल टॉस पे। थैंक यू वेरी मच।